हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूबिंग इंडिया। तो आज बहुत दिनों के बाद चैनल पे वीडियो आ चुकी है, और इतने टाइम से चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो है कि मेरे एग्जाम चल रहे थे, और इसके अलावा एक सैड स्टोरी है जो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो इस वीडियो में अभी तो मुझे आपको ये अपडेट देना है कि 10 दिसंबर को था मेरा बर्थडे, और बर्थडे मैंने अपने लिए मंगाया अपना पहला फ्लैगशिप क्यूब जो है मोयू वेलोंग GTS 3M। तो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी तभी कर ली थी, और इसको यूज़ करते हुए लगभग मुझे एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो चुका है। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसको पूरा बॉक्स में पैक किया है। इससे पहले मैं यूज़ करता था ये जो है यूशेन लिटिल मैजिक, इसका प्राइस था 350 रुपीज़, और ये क्यूब चलाने में बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो खैर, अभी इसकी बॉक्स की बात करते हैं। तो देखने में तो इसका बॉक्स भी काफ़ी कूल लग रहा था, और अब बात करें यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे तो मैं बस यही पढ़ सकता हूँ कि ये लिखा है GTS 3, ये है मैग्नेटिक वेलोंग GTS 3M 3x3। हाँ, मैं ये पढ़ सकता हूँ, ये लिखा है मोयू क्यूबिंग ड्रीम्स। कैसे पढ़ सकता हूँ, ये देखो, मोयू क्यूबिंग ड्रीम्स, सेम ही होगा ना। बॉक्स को तो बहुत देख लिया, अब इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा क्यूब जो आता है एक मस्त से स्टैंड में, और उसके साथ आती है हमारी कुछ एसेसरीज जो मैं पहले आपको यही दिखाऊंगा। तो इसको एक मिनट साइड रखते हैं। ये है हमारा बॉक्स, तो इसमें है कुछ कार्ड्स, और ये है एक मैनुअल, इस पर सब कुछ लिखा है किस तरीके से हम इसको स्टैंड ही बना सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। खैर, अब इसको हटाओ। ये है कुछ एक्स्ट्रा मैग्नेट्स, ये स्क्रू ड्राइवर, और इसका जो यूज़ है ये मेरे को मैनुअल में देखने के बाद ही पता लगा था, तो अभी आपको बताऊंगा। और ये है इसका स्प्रिंग कंप्रेशन टूल, और इसका क्या काम है ये भी अभी जब क्यूब खोल लेंगे तब बताएंगे। और एक एक्स्ट्रा पीस है जो स्प्रिंग्स में लगता है, इसी को हम इससे टाइट करते हैं ऐसे करके, तो हर एक सेंटर में लगा होता है ये पीस, तो ये एक्स्ट्रा दे रखा है। तो खैर, इसे छोड़ो अभी। तो यही सब मिलता है हमें एक्सेसरी बॉक्स में। अब हम देखते हैं क्यूब को। तो सबसे पहले इस बॉक्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा है क्यूब को देखने में। क्यूब को सॉल्व करने के बाद इसी में ऐसे ही रख देता हूँ, अभी तो नया है ना, तो ज़्यादा संभाल के रखता हूँ। और इसकी बात करते हैं पहले, तो देखो इसको हम स्टैंड भी बना सकते हैं। इसमें नीचे ये दोनों ऐसे अटैच आए थे, इनको निकाल के इसको यहाँ पे लगा के, और उसके बाद इसके ऊपर ये लगा के ये ऐसे स्टैंड बन जाएगा, और इसके ऊपर हम इसे रख सकते हैं इस तरीके से, ये इस पे आ जाता है। तो इस क्यूब की जो शेड्स हैं वो स्टार्टिंग में तो मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी थी, क्योंकि मेरा जो पुराना क्यूब है जो है यूशेन लिटिल मैजिक, इसकी शेड्स से अगर मैं कंपेयर करके दिखाऊं तो देखो ऑरेंज कितना ही अलग है ना, और इसी तरीके से रेड कितना ज़्यादा डार्क है देखो, और ब्लू भी बहुत ज़्यादा डार्क है, और इसका जो साइज है वो इससे 1 मिलीमीटर ज़्यादा भी है, शायद इसका 56 है। देखो GTS 3M थोड़ा सा बड़ा है यूशेन लिटिल मैजिक से। और इसमें सबसे डिफरेंट चीज़ है जो इसको सारे क्यूब से डिफरेंट बनाती है, वो है इसकी रिजेस। देखो ये रिजेस हैं हर फेस पे इस तरीके से, और इसका फायदा बस ये है कि थोड़ी सी ग्रिप प्रोवाइड करा देता है, और ये ज़्यादा अजीब नहीं लग रही पकड़ने, बल्कि इसके बाद जब मैंने इस क्यूब को पकड़ा तो थोड़ा सा और लग रहा था। और इसके अलावा जो इसमें स्प्रिंग सिस्टम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी तरीके की कुछ सेटिंग हमें एक एक सेंटर में देखने को मिलती है, इसमें हम 1 से लेकर 9 तक की सेटिंग कर सकते हैं। जब ये क्यूब नया आया था तो इसकी सेटिंग थी 1 पे, और 1 पे एकदम लूज और बहुत ही फास्ट होता है, तो उस समय मेरे से थोड़ा कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने इसकी सेटिंग से थोड़ा खेल के देखा, तो इस समय मैंने इसकी सेटिंग रखी है 5 पे। मैं सबको 1 पे करके दिखाता हूँ आपको। देखो इस समय 9 पे है, अभी एकदम 1 पे आ जाएगा। अब ये 1 पे आ चुका है, और इसी तरीके से मैं इन सबको 1 पे लाऊंगा, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि ये क्यूब कितना लूज हो जाएगा। जब ये क्यूब आया था तो ये इसी तरीके से था, और ये बहुत ही ज़्यादा लूज है, इस समय बहुत ही ज़्यादा लूज फील हो रहा है। उस समय मुझे इसको चलाने का ही प्रॉब्लम भी हो रही थी, फिर मैंने जब इसका खेला तो मैंने इसको 9 पे भी रखा, 9 पे फिर ये कुछ ज़्यादा ही स्टेबल लग रहा था, और ज़्यादा फास्ट भी मूव नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने इसको 4 किया और फिर 5 किया, तो मुझे 4 और 5 ही थोड़ी ठीक लगी, तो इसलिए मैंने इसको 5 पे रखा हुआ था। तो मैं इसको भी 5 पे सेट कर देता हूं, उसके बाद आपको उसके बारे में आगे बताता हूं। तो अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इस क्यूब में इस समय बिल्कुल भी ल्यूब नहीं लगा हुआ है, तो ये काफ़ी ड्राई फील हो रहा है, इसमें ल्यूब लगाना पड़ेगा, और अफसोस की बात यह है कि मेरे पास ल्यूब नहीं है, तो मेरे को भी ल्यूब ऑर्डर कराना पड़ेगा, और उसके बाद लगा के देखूंगा, हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी और इंप्रूव हो जाए। और अभी मैंने इसकी सेटिंग 5 पे करी हुई है, मैं आपको इसकी कॉर्नर कटिंग्स दिखाता हूं। तो देखो अगर हम इसको लाइन टू लाइन रखें तो ये बहुत स्नैपी कॉर्नर कटिंग कर रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा रख के भी हो रही है बस। तो अब बात करें रिवर्स कॉर्नर कटिंग की, तो अगर हम इसको इस पीस के बिल्कुल हाफ पे रखें तो ये बिल्कुल आराम से कट हो रहा है, और अगर हम इसको रखें थोड़ा आगे तो ये कॉर्नर कट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है अगर मैं इसकी स्प्रिंग थोड़ी लूज करूँ तो ये अच्छा कॉर्नर कट कर ले, या थोड़ा ल्यूब लगाने के बाद ही अच्छा कॉर्नर कट कर ले, इसलिए इसकी पूरी परफॉर्मेंस के बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको ल्यूब करूंगा उसके बाद पता लगेगा। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है जो ये है कि ये मैग्नेटिक है, और इसके मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने इसके रिव्यूज़ देखे तो मुझे पता लगा कि इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स इसे अच्छा बनाते, क्योंकि ये बहुत फास्ट क्यूब है, जो मुझे तो इतना फील हुआ नहीं कि पहले मैं ये क्यूब यूज़ करता था, तो इसके आगे इसकी परफॉर्मेंस तो मुझे अच्छी लगेगी ना।
तो अब बात करें कि इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, तो देखो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो जब मैंने ये क्यूब मंगाया था तो उस समय जैसे कि मैंने होता है कि काफी ड्राई था, इसमें ल्यूब भी नहीं था, तो एक तो तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था और मैंने तब भी इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। ये इसकी मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो अब आप देख रहे हो। इससे पहले ही मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैं उस वीडियो को एडिट करने जा रहा था तो मैंने उस वीडियो को पूरा एडिट कर लिया। जब मैंने अपने लैपटॉप को स्विच ऑफ किया उसके बाद अगले दिन जब मैंने थोड़ी सी एडिटिंग उसमें रह गई थी क्योंकि इसलिए मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया था, तो जब मैंने उस प्रोजेक्ट को ओपन किया तो पूरा ब्लैंक हो रखा था। मतलब मैंने एक दिन पहले जितना भी उसको काम किया था, जितना भी एडिट किया था, वो सारा खराब हो चुका था। तो थोड़ा सा बुरा लगा कि सारी मेहनत खराब हो गई, लेकिन मैंने फिर भी उसे किया। तो फिर से मैंने एडिटिंग करी, इस बार थोड़ी सी कम करी थी लेकिन थोड़ी ज्यादा अच्छी करी थी, और उसके बाद फिर से यही चीज हुई। मैंने वो प्रोजेक्ट सेव किया, उसके बाद जब मैंने उसे ओपन करके देखा तो फिर ब्लैंक था। तो एक तो यही मुझे बहुत बुरा लगा और साथ में फिर एग्जाम्स भी आ रहे थे, उनके लिए पढ़ना था। तो ये सब जो चीजें हुई तो इन सबको मिला के फिर मुझे लगा मुझे थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। तो तब मैं रोज 2-3 घंटे फिर क्यूब की प्रैक्टिस करता था, एग्जाम के लिए पढ़ता था। तो बस यही थी मेरी सैड स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस दुख को समझोगे और इस वीडियो को लाइक करके जाओगे मेरे। और अब से अपनी वीडियोस में मैं यही क्यूब यूज़ करा करूँगा। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल ही गया, इसको उतार लेते हैं। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे पता ही है अनबॉक्सिंग कोई इतनी कोई स्पेशल तो नहीं है क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं अनबॉक्सिंग का। इससे पहले मैं भी एक यही क्यूब यूज करता था जो 350 का है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।